हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में हमेशा हमको मन करता है कि कुछ ठंडा ठंडा खाने का, वो भी हम घर पे ही बना सके, वो भी बहुत ही आसानी से, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो, घर के ही सामान से बन के तैयार हो जाए। तो चलिए आज फिर हम एक आइसक्रीम बनाते हैं जो कि हम खरबूज से बनाएंगे। गर्मियों में तो खरबूजा आसानी से अवेलेबल हो जाता है और सभी के घर में मौजूद भी रहता है। तो यहाँ पर हम इस खरबूजे में से आधा खरबूजा यूज़ करेंगे, तो उसके अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, एक कप शुगर, और जो हमने खरबूजा कट करके रखा वो यहाँ पे मैंने लिया। एक करीबन एक कप खरबूजा है जिसको हमने हाफ कट किया था। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी एक लीटर दूध। आप यहाँ पे गर्म या ठंडा कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गर्म दूध लिया है, इसको अच्छे से अब हम बॉईल कर लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये नीचे ना लग जाए। हमें और हमें इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक एक अच्छे से बॉईल ना आ जाए। मिनट और अच्छे से कुक कर लेना है ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और इसे हम साथ के साथ साइड से भी हटाते जाएंगे ताकि साइड्स में भी ये लग ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम साथ के साथ हटाते जाएंगे साइड्स में भी से भी। यहाँ पे देखिए पहले के अकॉर्डिंग कितना थिक हो चुका है, क्रीमी टेक्सचर भी इसमें आ चुका है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें जो हमने खरबूजा कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे एक कप। और बस इसकी लिड लगा के इसको अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बन के रेडी है। यहाँ पे देखिए जो हमारा आइसक्रीम वाला दूध था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने खरबूजे पीस के रखे थे उसी में हम ये दूध डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से चला लेंगे एक बार ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे हम इसका। यहाँ पे देखिए ढक्कन हटा के देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए कितना स्मूथ एकदम क्रीमी टेक्सचर आया इसका। बस इसी तरीके से हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैं डालूंगी हाफ स्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर से हम इसकी लिड लगा देंगे, एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। जो हमने इसकी इलायची पाउडर और कलर डाला, देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। बॉक्स ले लेंगे इस तरीके का, आप किसी भी बॉक्स में इसको सेट कर सकते हैं। अब सारा जितना भी हमारा मिक्सचर था वो इसको हम डाल देंगे अच्छे से।
आइसक्रीम को तो देखते ही सभी के मुंह में पानी आ जाएगा, इसको झटपट बनाने का मन करेगा क्योंकि देखने में ही ये कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है। तो चलिए मैं आपको एक बार स्पून से भी दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट इसका टेक्सचर आया है बनके। देखिए नज़दीक से भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी आइसक्रीम बनके तैयार होती है ना। कितनी अच्छी सी आइसक्रीम की रेसिपी, वो भी झटपट तैयार होने वाली, वो भी बहुत कम सामान के साथ। अगर आपको मेरी यम्मी यम्मी आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।